Hello friends, welcome to Snow. जो ऊपर का हिस्सा निकाले थे इसमें से भी इस मस्कमेलन को निकाल लेंगे और इसको जार में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम बीजों को निकाल देंगे। स्पून की मदद से इजीली बीजे निकल जाएंगे। ये जो मस्कमेलन के बीजे हैं इनको भी हम अच्छी तरह से धोकर सुखाकर खाए जा सकते हैं। ये भी बहुत ही टेस्टी रहते हैं। तो सारे बीजों को हमने निकाल दिया है। इसको अब हम चाट में डाल लेंगे। ये देखिए इस मस्कमेलन में हम डालेंगे 50 ग्राम ऑफ शुगर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक बनाना। इस गर्मियों के मौसम में बनाना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हीट को रिड्यूस करता है बॉडी में। तो इस बनाना को हम अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और जो मस्कमेलन को हमने अच्छी तरह से निकाल दिया था उसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। इसके बाद हम बनाना डालेंगे। इसके बाद हमने जो जूस बनाकर रखा था मस्कमेलन का इसको डाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे चिया सीड्स। चिया सीड्स को मैंने भिगो कर रख दिया था तो 2 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड्स डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ चॉप पिस्ता।
पिस्ता को अच्छी तरह से मैंने काट कर रखा था। काजू 2 टेबलस्पून, और बादाम इसको भी मैंने काट लिया था, ये भी 2 टेबलस्पून लेंगे। लास्टली हम डालेंगे चेरी, ये भी हम 2 टेबलस्पून ले लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलरफुल लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार रहेगा, ठंडा ठंडा गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही। हमने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम लेंगे एक ग्लास, इसमें हम डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स, इसके बाद हमने जो स्मूथ पेस्ट बनाकर रखा था जूस, उसको इसमें हम डाल लेंगे। मस्कमेलन फालूदा और मस्कमेलन जूस तैयार है, इसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।